Hello my dear students, how are you doing? I hope you all are doing very well. So, today in this video, I'll be explaining some important questions of class 9th. So, you just have to watch this video till the very end, and I will be explaining in a very easy manner and you will enjoy this. So, without any further delay, let's get into the video. So, ki <laughs> फॉर्मेट क्या है तो हमारा सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन है जो कि बीस मार्क्स का है इसमें से दो हमारा पैसेज रहेगा और फिर हमको आंसर देना रहेगा सेक्शन बी में हमारा राइटिंग और ग्रामर है तीस मार्क्स का ग्रामर है और राइटिंग और लिटरेचर भी हमारा तीस मार्क्स का है तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं और जितना भी क्वेश्चन है सब दो मार्क्स कैरी करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन कैरीज टू मार्क्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैसेज से एंड इट इज़ वेरी इजी पैसेज सो जस्ट लिसन टू मी केयरफुली यू विल गेट टू नो एवरी थिंग तो चलिए पढ़ते हैं द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस एवरी फोर ईयर्स बोल रहा है कि द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस एवरी फोर ईयर मतलब जो ओलंपिक गेम होता है वह हर साल हर चार साल में एक बार होता है एथलीट्स कम फ्राम ऑल कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम्स जितने भी एथलीट्स होते हैं वो सभी देशों से आते हैं और इसमें टेक मतलब इसमें पार्ट लेते हैं इसमें भाग लेते हैं

लेकिन अब देखते हैं क्या है अभी भी है या नहीं वी लॉस्ट द चैम्पियनशिप इन रोम इन 1960। लेकिन क्या हुआ कि 1960 में रोम में हम लोग चैम्पियनशिप खो दिए बट वी वन इट बैक इन टोक्यो इन 1964। और फिर से हम लोग कब जीते 1964 में और कहाँ पे जीते टोक्यो में वी हैव लॉस्ट इट अगेन टू पाकिस्तान और अगेन हम लोग पाकिस्तान में फिर से खो दिए मतलब अपना चैम्पियनशिप फिर से खो दिए इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर अमंग द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन द वर्ल्ड जो इंडियंस और पाकिस्तानीज है दुनिया के जितने भी खिलाड़ी है मतलब हॉकी खिलाड़ी उनमें से बेस्ट है दूसरे खिलाड़ी का बात नहीं रहे, फुटबॉल क्रिकेट ये सब खिलाड़ी बेस्ट हो सकते हैं और भी कई कंट्री के लेकिन अगर हॉकी का बात करें तो इंडियंस और पाकिस्तानीज बहुत अच्छे हैं दे आर मोर स्किलफुल देन ऑल अदर्स ये लोग जो है मतलब इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा स्किलफुल है अगर कंपेयर किया जाए दूसरे देशों के लोगों से द ओलंपिक विक्ट्रीज ऑफ आवर प्लेयर्स है ब्राउड ऑनर टू द नेशन और जो ओलंपिक विक्ट्रीज मतलब ओलंपिक में जो जीते हमारे देश के लोग वो हमारे देश के लिए सम्मान का बात था और हमारे देश के लिए इन्होंने सम्मान प्राप्त किया तो ये बहुत अच्छा बात है लेकिन आप लोग इतना पढ़ के ये मत समझिएगा कि हॉकी हम लोग का नेशनल गेम है नहीं हम लोग का नेशनल गेम कोई सा भी नहीं है बस यहाँ पे हॉकी के बारे दिया हुआ है और हम लोग ओलंपिक में चैम्पियन रह चुके हैं एथलीट्स हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स कम फ्रॉम अब बोल रहा है कि वो एथलीट्स जो कि इस ओलंपिक में भाग लेते हैं कहाँ से आते हैं तो सभी देशों से आते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक्स ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड ओलंपिक गेम्स कब होता है वंस ए ईयर साल में एक बार होता है नहीं वंस एवरी फोर ईयर्स वंस इन टू ईयर्स एवरी फाइव ईयर्स तो क्या हो जाएगा हमारा चार साल में एक बार होता है तो आंसर सी हो जाएगा वंस एवरी फोर ईयर्स हर चार साल में एक बार होता है तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आर बेस्ट हॉकी प्लेयर्स दुनिया में कौन है तो इंडिया इंडियं से और पाकिस्तानीज है मतलब भारत के लोग और पाकिस्तान के लोग तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ हॉकी बिकॉज दे आर मोर वो हॉकी के सबसे बेस्ट प्लेयर है क्यों क्योंकि वो स्किलफुल है अदर कंट्रीज़ के कंपेयर में तो आंसर हमारा हो जाएगा ए अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कंट्री अब देखिए पैसेज से एक ऐसा वर्ड चूज करना है जिसका मतलब हमारा कंट्री होता है तो देखिए पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब कंट्री होता है तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है प्लेयर्स ए ब्राउड ऑनर टू द नेशन तो नेशन का मतलब भी तो कंट्री ही होता है तो देखिए पैसेज में हमारा मिल गया ना तो ये हमारा हो जाएगा आंसर बी लेट्स मूव टूअर्ड्स द नेक्स्ट पैसेज एंड आवर नेक्स्ट पैसेज इज ऑल्सो ईजी तो चलिए देखते हैं द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ द हिंदूज जो गंगा है वो हिंदुओं की पवित्र नदी है द हिंदू कॉल द गंगा मदर गंगा और हिंदू गंगा को क्या बोलते हैं माँ गंगा एवरी हिंदू विशेष टू डाई ऑन द बैंक्स ऑफ द होली गंगा और प्रत्येक हिंदू की क्या इच्छा होती है कि वो गंगा नदी के किनारे मरे सो दैट ही मे रीच हैवन ऐसा इसलिए वो सोचते हैं ताकि वो कहाँ पहुँच हेवन स्वर्ग जा सके एट अलाहाबाद द यमुना ऑल्सो ज्वाइंस इट एंड द मीटिंग प्लेस इज नोन एज त्रिवेणी और संगम अलाहाबाद में क्या होता है यमुना नदी जो है गंगा नदी को ज्वाइन करती है और जो मीटिंग प्लेस है मतलब जहाँ पे दोनों मिलती है उस संगम को मतलब उसको जहाँ पे मिलती है जिस प्लेस पे उसे हम लोग त्रिवेणी और संगम बोलते हैं आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल इट फ्लोज इंटू द बे ऑफ बंगाल बिहार और गंगा बिहार और बंगाल से बहते हुए गंगा नदी कहाँ पर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में द गंगा इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री और हमारे देश के लिए गंगा नदी जो है बहुत ही उपयोगी है इट ब्रिंग्स विद इट रिच सॉयल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड स्प्रीड्स इट ऑन द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल ये अपने साथ क्या लाती है इट ब्रिंग्स विद इट रीच सॉयल रीच सॉयल लाती है मतलब उपजाऊ मिट्टी लाती है फ्रॉम द माउंटेन्स पर्वतों से एंड स्प्रेड्स इट ऑन द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल और मैदानों में फैला देती है बहुत मतलब उसको मैदानों को फर्टाइल बनाने के लिए मतलब उपजाऊ बनाने के लिए द फील्ड्स इन दिस एरिया प्रोड्यूस टू क्रॉप्स अ ईयर और इस एरिया में जितने भी फील्ड है साल में दो क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं दो फसल प्रोड्यूस करते हैं द गंगा इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल इन अदर वेज और गंगा का जो इम्पोर्टेंस है वो दूसरे तरीक़ों से भी बहुत है मैनी सेंट्स एंड होली पर्सनस लिव ऑन इट्स बैंक बोल रहा है कि बहुत सारे सेंट बहुत सारे साधु लोग और पवित्र लोग जो है इसके किनारे रहते हैं गंगा नदी के किनारे एंड वी कैन लर्न मच फ्रॉम देयर टीचिंग्स एंड विजडम और हम लोग उनके टीचिंग से मतलब उनके शिक्षा से और बुद्धिमत्ता से बहुत कुछ सीख सकते हैं तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होने वाला है तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एवरी हिंदू विश टू डू ऑन द बैंक्स ऑफ द होली गंगा होली गंगा के किनारे हिंदू क्या करना चाहते हैं तो मानना चाहते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना इज नोन एज गंगा और यमुना का जो मीटिंग प्लेस है उसको किस नाम से जाना जाता है तो उसका क्या नाम है त्रिवेणी तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल ऐसा क्या है जो मतलब लैंड को भूमि को बहुत फर्टाइल बना देता है तो रीच सॉयल है जो कि नदी लाती है पर्वतों से तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा नेक्स्ट है हु लिव्स ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा गंगा नदी के किनारे कौन रहते हैं तो सेंट्स से रहते हैं साधु लोग रहते हैं आंसर ए हो जाएगा टेन नंबर है अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द किंगडम ऑफ गॉड एक ऐसा वर्ड चुनना है पैसेज से जिसका मतलब हो भगवान का साम्राज्य अब भगवान का साम्राज्य का क्या मतलब होता है स्वर्ग होता है लेकिन देखिए ये हमारा पैसेज में है कि नहीं तो देखिए यहाँ पे पैसेज में क्या था कि सो दैट ही मे रीच हैवन तो यहाँ पे पैसेज में भी मिल गया तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा हैवन अब हैवन किस में ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा लेट्स मूव टूवर्ड्स सेक्शन बी एंड सेक्शन बी इज ऑल अबाउट राइटिंग एंड ग्रामर तो देखिए राइटिंग और ग्रामर है हमारा इसमें अब देखिए शुरू में हमारा एक एप्लीकेशन दिया गया ये एप्लीकेशन भी आधा अधूरा दिया गया क्योंकि देखिए एप्लीकेशन जब भी लिखा जाता है नीचे कौन लिख रहा है उसके बारे में मैंशन रहता है यहाँ पे दिया हुआ नहीं है किसको लिखा गया ये तो दिया है कि माँ को लिखा गया लेकिन कौन लिख रहा है ये नहीं पता चल रहा तो चलिए पढ़ते हैं इसको इट्स लॉन्ग सिंस वी मिट वी मेट ये बहुत समय हो गया हम लोग का मिले हुए होप एवरी बडी डूइंग फाइन अब देखिए यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखना अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इधर भर भी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होता है अब ऑप्शन पहले देखते हैं हम लोग तो ऑप्शन हमारा आर इज वर हैव अब इसमें सिंगुलर जो है हमारा इज है लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इज आंसर हो जाएगा एक चीज़ हम लोग हम आपको बताना चाहते हैं कि कहीं भी आप लोग एवरी बडी एवरी वन सम वन ऐसा देखते हैं तो वो सिंगुलर होता है तो आपको हमेशा उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करना है ठीक है तो यहाँ भी इसलिए हमारा हो जाएगा इज तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर बी हो जाएगा लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट सेंटेंस आई एम हैविंग अ नाइस टीम हियर आई एम हैविंग अ नाइस टाइम हियर आई गेट मील्स एट रेगुलर टाइम्स मैं यहाँ अच्छा खाना खा रहा हूँ और रेगुलर टाइम में हमको खाना मिलता है देर आर थ्री टीचर्स इन द हॉस्टल अब हॉस्टल में तीन टीचर हैं अब देखिए यहाँ पे तीन टीचर का बात किया गया तो तीन टीचर क्या है प्लूरल है तो ऑब्वियसली यहाँ जो आएगा ऑप्शन वो प्लूरल आएगा तो देखिए यहाँ पे ट्वेल्व नंबर में क्या ऑप्शन है ही सी दे नन ऑफ दीज अब देखिए ही तो होगा नहीं तीन टीचर का बात है कोई एक टीचर तो है नहीं सी भी नहीं हो जाएगा तो दे हो जाएगा दे गाइड मी इन स्टडीज द गाइड मी इन स्टडीज़ के पहले भी हमारा ब्लैंक है तो देखिए थर्टीन नंबर क्या है दे गाइड मी इन माई स्टडी द गाइड मी इन माई स्टडी देखिए यहाँ पे मी है इसीलिए यहाँ पे माई हो जाएगा क्योंकि देखिए मी केवल हम कोई जो बोल रहा है आई के बारे में बोल रहा जा रहा है मी है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस तो आई या मी जो भी हम लोग अगर सोचेंगे तो उसका पॉजिटिव केस जो होगा वो माई हो जाएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर द गाइड मी इन माई स्टडीज वी अब देखिए वी के बाद फिर से डैश है वी अ कॉमन रूम अब देखिए वी हैव अ कॉमन रूम अब वी क्या हमारा प्लूरल है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा हैज तो लगेगा नहीं हैड भी नहीं लगेगा क्योंकि पास्ट के बारे तो बात किया नहीं जा रहा है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नेक्स्ट है वी ऑल सीट एंड प्ले इंडोर गेम्स देयर एवरी सैटरडे वी हैव अ फिल्म शो द हॉस्टल कंपाउंड अब देखिए हर सैटरडे को हम लोग का हॉस्टल कंपाउंड में फिल्म शो होता है तो हॉस्टल कंपाउंड के पहले क्या हो जाएगा इन हो जाएगा ऑन क्यों नहीं होगा क्योंकि हॉस्टल कंपाउंड एक जगह है तो उसके लिए हम लोग इन का यूज़ करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑन का यूज कब करते जब किसी चीज़ को किसी के ऊपर रखा जाता है तो यहाँ पे तो ऐसा सेंस दे नहीं रहा है तो अप्रोप्रिएट आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट देखिए ग्रामर से रिलेटेड है इसमें मॉडल भरने बोला जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सिक्सटीन नंबर बोल रहा है द मॉडल वर्ब इज़ यू डैस टू रिस्पेक्ट द टीचर्स तो देखिए हम आप लोग को कितना बार बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट का बात किया जा रहा है मतलब कि मॉरल ऑब्लीगेशन का बात किया जा रहा है नैतिक कर्तव्य का बात किया जा रहा है तो हम लोग आउट टू का यूज करते हैं यहाँ पे पहले से टू दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में तो हमारा क्या बच गया आउट बच गया सूड का यूज कब करते हैं सूड का यूज एडवाइस देने के लिए करते हैं किसी को जैसे सलाह देना है कि आपको पढ़ना चाहिए यू शूड स्टडी सेल का यूज कब करते हैं फ्यूचर को बताने के लिए या तो कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं कि सैलाई स्टार्ट मीन सेलाई स्टार्ट दिस ये और वो मतलब जो भी कन्वर्सेशन वगैरह स्टार्ट करना रहता है तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं कि सेलाई स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन और मस्ट का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो यहाँ पे क्या बचा आउट तो आउट हमारा हो जाएगा यहाँ पे आउट हो जाएगा नेक्स्ट है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ अब इसको देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा इसका हमारा देखिए जब भी क्वेश्चन वाला हमारा इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के लिए रहता है ना तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले सेड का टोल्ड नहीं होता आर्स्ड हो जाता जब भी इधर क्वेश्चन वाला रहता है हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच अगर क्वेश्चन वाला हो तो सेड का आक्स्ड हो जाता है उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा जो यहाँ रहता है वो नहीं हटता अगर यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड रहता है तो उसका दैट नहीं होता ये वाट का वाट ही रह जाता है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन uh, देखिए कहाँ पे ही आक्सड मी वट उसके बाद यू चेंज हो जाएगा सेकेंड पर्सन के अनुसार वट आई was डूइंग तो देखिए second में है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर second आप लोग का narration से बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन दे देता है जो कि नहीं देना चाहिए ninth क्लास में इतना हार्ड नॉर्मल चेंज ऑफ पर्सन से देता तो easy पड़ जाता आप लोग का अब नेक्स्ट है हमारा द वॉइस द पैसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड रावण देखिए ये बहुत ईजी दिया हुआ है जब भी हम लोग का पास्ट में रहता है मतलब सिंपल पास्ट में अगर हमारा कोई सेंटेंस है और उसको अगर पैसि वॉइस में चेंज करना तो क्या करते हैं हम लोग हम लोग तो इतना जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है उसके बाद क्योंकि हम भी टू में है तो वर आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद वाजर फिर भर का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट तो देखिए रावण रावण वॉज किल्ड बाई राम हो जाएगा तो देखिए फर्स्ट में हमारा आंसर तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नेक्स्ट है हम लोग का ही ऑलवेज अब देखिए ऑलवेज ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ यहाँ स्पीकिंग क्यों नहीं हो जाएगा देखिए स्पीकिंग कब होता है जब कॉन्टीन्यूअस टेंस में और कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है इज एम आर आता है उसके बाद भर का फोर्थ फॉर्म आता है तो यहाँ ईज एम आर तो है नहीं तो फोर्थ फॉर्म भी नहीं आएगा स्पोकन कब आता जब हमारा है जब रहता मतलब परफेक्ट में अगर हमारा सेंटेंस रहता या पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में अगर पास्ट में रहता तो हैड रहता तो ये भी नहीं आता अब देखिए बचा हमारा क्या स्पीक्स और स्पीक तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे ही जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भर्व भी सिंगुलर आएगा और हम लोग जानते हैं कि भर्व में एस या ई एस लगाने से वो सिंगुलर होता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ नेक्स्ट है सी इज डैश एम ए बी एड अब देखिए यहाँ पे आपको आर्टिकल भरना है तो आर्टिकल यहाँ पे देखिए जिस भी वर्ड का उच्चारण अगर स्वर में हो रहा जैसे एम ए ए आ रहा है ना तो इसके पहले आर्टिकल एन लगेगा आपको ये केवल नहीं देखना कि कॉन्सनेंट है और वॉवल है वो तो देखना ही है कभी कभी लेकिन अगर आप उच्चारण करके देखते हैं तो हमेशा आपका आंसर सही होगा क्योंकि देखिए एम ए हम लोग बोल रहे हैं लेकिन ए आ रहा है हमारा वोवेल लेटर आ रहा है मतलब प्रोनाउंसिएशन में हमारा वोवेल आ रहा है तो एन हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एन सी इज़ एन एम ए बी एड नेक्स्ट है दिस इज द बुक दिस इज़ द बुक अब हम आप लोग को कल भी बताए थे कि कभी भी चीज़ का मतलब कोई वस्तु का बात हो तो उसके लिए विच का यूज करते हैं यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है तो यहाँ पर हु नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हुब्जेक्टिव प्रोनाउन है लेकिन ये इंसानों के लिए यूज किया जाता है और हुज तो पजेसिव प्रोनाउन है तो बचे क्या विच तो हो जाएगा दिस इज़ द बुक ई अबाउट यस्टरडे ये वही किताब है जिसे मैं कल खरीदा था तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा नेक्स्ट है ही डैस कुक एज हिज वाइफ वॉज नॉट वेल अब देखिये आप लोग जब भी यहाँ भरना हो तो इधर भी आपको देखना पूरा सेंटेंस पूर, इधर वाला सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि पास्ट के बारे में बात कर रहा है कि एज हिज वाइफ वॉज नॉट वेल जैसा कि उसकी पत्नी जो है अच्छी नहीं थी मतलब खराब हो गया था तबियत तो उसके बारे में बात किया जा रहा है तो यहाँ जो आएगा वो भी पास्ट में आएगा तो पहले प्रेजेंट वाला तो हटाइए प्रेजेंट वाला क्या हट जाएगा हैव टू हट जाएगा और हैज टू हट जाएगा मस्ट भी नहीं ही लगेगा तो बचा क्या हैड टू लगेगा तो आराम से आपका आंसर हो जाएगा हैड टू ही हैड टू कुक एज हिज वाइफ वॉज नॉट ट्वेल्व उसे खाना बनाना पड़ा था जैसा कि उसकी वाइफ बीमार थी मतलब स्वस्थ नहीं थी नेक्स्ट है आर द बॉयज अब देखिए हम आप लोग को बार बार बताएं कि इज एम आर रहे और उसके बाद सब्जेक्ट रहे और भर्फ का फोर्थ फॉर्म दिया हो तो आंसर हमारा वही हो जाएगा अब इसको देखिए इज एम आर में से आर को पहले कर दिया इसका मतलब कि इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाया है तो आर द बॉयज प्लेइंग तो हमारा आंसर हो जाएगा बी अब देखिए ए क्यों नहीं होता ए तब होता जब हमारा सिंपल प्रेजेंट में रहता सिंपल प्रेजेंट में है नहीं प्लेड कब होता या तो सिंपल पास्ट में रहता है या परफेक्ट में रहता है परफेक्ट में रहता तो हैज है भी आपको देखने को मिलता तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेइंग ट्वेंटी फोर है आई डोंट रिमेंबर अब देखिए आई डोंट रिमेंबर वाई आई सो हिम लास्ट कि मैंने उसे क्यों देखा ये मुझे याद नहीं है ये सुटेबल नहीं लग रहा है आई डोंट रिमेंबर वाट आई सो हिम लास्ट मैंने उसे क्या देखा ये मुझे याद नहीं आ रहा ये नहीं हो जाएगा वेन हो जाएगा वेन क्यों होगा क्योंकि देखिए आई डोंट रिमेंबर वेन आई सो हिम लास्ट कि मुझे याद नहीं है कि कब मैंने उसे लास्ट देखा था तो वेन हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सी बाउट अब देखिए यहाँ भी आर्टिकल भरना है सी बाउट अम्ब्रेला अब देखिए अम्ब्रेला जो है यू तो है ही हमारा वॉवल ऊपर से इसका उच्चारण जो है अम्ब्रेला हो रहा है अ आ, आ, आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी हमारे लिटरेचर से रिलेटेड है तो आप लोग तो लिटरेचर पढ़े ही अच्छे से तो देखिए ये भी बहुत इजी होने वाला है हमारा स्टार्ट होता है हु वाज ब्रूनो अब ब्रूनो कौन था तो एक स्लोथ वियर था तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी नेक्स्ट है विच गेम डिड मारिया सारापोआ प्ले कौन सा गेम खेलती थी मारिया सारापोआ तो टेनिस खेलती थी आंसर डी हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्ला खां वाज अवार्डेड इंडियाज हाइस्ट सिविलियन अवार्ड अब इंडिया का हाइस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है भारत रत्न और उस्ताद बिस्मिल्ला खान को ये अवार्ड दिया गया था तो ये आंसर हमारा हो जाएगा डी केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर ये क्वेश्चन देखिए कितना बार आया कि केजिया डरती थी अपने पापा से क्योंकि वो हार्स थे उनका जो बिहेवियर था वो एकदम प्यार भरा नहीं था इसलिए उनसे डरती थी ये तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर हु कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ टू एंड अ हाफ कौन दो मतलब कौन ढाई साल तक नहीं बात कर पाते थे तो कौन नहीं बात कर पाते थे अल्बर्ट आइंस्टीन तो हमारा आंसर हो जाएगा ए हु आज द यंगेस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट यंगेस्ट वीमेन कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी तो वो कौन थी संतोष यादव तो आंसर हमारा हो जाएगा संतोष यादव हाउ डज द पोएट आस्क द विंड टू कम पोएट विंड को कैसे आने कहते हैं तो सॉफ्टली आने बोलते हैं हार्डली नहीं आने बोलते हैं, बोलते सॉफ्टली मतलब आराम से आओ तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नेक्स्ट है हम लोग का सेंट पीटर टर्न द ओल्ड लेडी इनटू अब देखिए सेंट पीटर जो है ओल्ड लेडी को किसमें टर्न कर देते क्योंकि वो केक मांग रहे थे और वो दे नहीं थी तो इनको गुस्सा आ गया फिर ये श्राप दे देते हैं और वो पक्षी में चेंज कर देते लेकिन कौन सा पक्षी बन गई थी वुड पेकर तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर नेक्स्ट है हमारा द डक रिक्वेस्टेड द कंगारू टू गिव हिम अब देखिए डक रिक्वेस्ट करती है कंगारू से क्या देने के लिए बोलती है कि तुम हमको अपने पीठ पे मतलब चढ़ाओ मतलब पीठ पे सवारी करने का ये दो मौका दो तो सवारी करवाने बोलती है डक तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा कल भी ये क्वेश्चन आया था लेकिन हम गलती से क्लॉक बोल दिए थे तो उसके लिए सॉरी बट हम पिन भी कर दिए थे मैसेज लेकिन आप लोग देखें कि नहीं पता नहीं नेक्स्ट है द पोएम राइट रिटर्न बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट अब जो पोएम है कौन सा पोएम जो रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखा गया है? तो रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया द रोड नॉट टेकन तो आंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट है डैश इज़ अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा कोस्टल उड़ीसा में उड़ीसा के तटीय पार्ट में कौन सा शहर है तो इरसामा है जो कि प्रशांत के घर से दूर था कितना किलोमीटर दूर था अगर आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर कमेंट में डालिएगा ठीक है तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ए ए ए हो जाएगा इरसामा नेक्स्ट है जॉन्सी सफ़रिंग फ्रॉम अब जॉन्सी किससे सफर कर रही थी तो निमोनिया से सफ़र कर रही थी तो आंसर हो जाएगा सी द हैप्पी प्रिंस सेंट द सफायर्स सफायर्स टू अब देखिए हैप्पी प्रिंस जो है सफायर्स को किसके पास भेजे थे तो प्ले राइट के पास आंसर हो जाएगा बी उनचालीस का है हु इज द रियल कल्परीट अकॉर्डिंग टू द किंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स अब देखिए किंगडम ऑफ फूल्स में रियल कल्पलीट कौन था किंग के अनुसार रियल कल्परीट जो था मतलब जो दोषी था वो कौन था तो वो मर्चेंट था किंग के अनुसार तो आंसर हो जाएगा ए ग्रैंड फादर बाउट टोटो फ्रॉम अब अब जो ग्रैंड फादर है वो टोटो को कहाँ से लाए थे तो टोंगा ड्राइवर से लाए थे तो आंसर हमारा हो जाएगा डी तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा हो क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन एवरी थिंग इन अ वेरी ईजी वे तो टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ